बताइए कि क्या कुछ पेशेंट कोई रहने वाली है, और कल शाम से हमने देखा कि बाला इलाके में बर्फबारी शुरू हुई है, तो इस हवाले से बताइए। देखो आपका एक कल से मौसम ने थोड़ा सा करवट लिया, खासकर जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से और कुछ एक जगहों पे के अंदर, खासकर आपका जो सोनामर्ग दोजिला एक्सिस है, इन जगहों पे जो है आपका लगभग 2 से लेकर 2.5 फीट तक की बर्फबारी हुई है। बाकी जो सोनामर्ग के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे 8 से लेकर 10 इंच तक की बर्फबारी हुई है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट कुपवारा और जो बांडीपोरा के जो हायर हिस्से हैं वहाँ पे लगभग 1 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है। और आपका गुलमर्ग के अंदर लगभग 6 से लेकर 8 इंच तक की बर्फबारी हुई है। दूधपथरी में आपका 6 से लेकर 8 इंच तक की बर्फबारी हुई है। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी हल्की बर्फबारी हुई है। बाकी जो सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बारिशें हुई। जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें रही हैं। तो ओवरऑल जो है आपका थोड़ा सा रिलीफ मिला है, टेम्परेरी रिलीफ मिला है लोगों को। और आज शाम से जो है दिन में मौसम अमूमन क्लाउडी रहेगा। अभी हालांकि कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, हंडवारा और जो एडजॉइनिंग जो बांडीपोरा के जो हायर हिस्से हैं वहाँ पे लाइट स्नोफॉल अभी भी चल रहा है। तो अभी खासकर आज इवनिंग से जो है फिर से जो है फ्रेश स्पेल्स ऑफ रेन स्नो जो है के चांसेस हैं। कुछ एक हायर जिसके अंदर खासकर आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के जो हायर हिस्से हैं इन जगहों पे जो है हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और कल खासकर 4 नून के बाद मौसम इम्प्रूवमेंट होगा और उसके बाद 3rd 4th के बीच में फिर से एक WDA जिसके कारण जो है लाइट मॉडरेट स्नोफॉल के चांस हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। मैदानी इलाकों के अंदर जो है आपकी बारिशें रहेंगी। उसके बाद मौसम जो है फिर 5th फरवरी से अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं और ड्राई वेदर जो है वो कंटिन्यू करेगा 12 फरवरी तक। क्या कोई एवलांच वार्निंग एवलांच का देखो आपका इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है जो स्नो स्टडीज एंड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो SASE जिसको कहते हैं, तो वो लोग जो है इसका फोरकास्ट और वार्निंग्स इशू करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर बताते हैं। Yeah.